कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लास्ट एक टॉपिक देख रहे थे क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये एक टॉपिक देख लिया था हमने। अभी जो आज का टॉपिक है उसके अंदर, उसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको हम फॉरवर्ड आगे जाएंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से पढ़ना। कल वाले लेक्चर के अंदर हमने ये बताया था कि TiH2O6 +3 जो है वो वैसे कलर है, यहाँ पे Cl3 लिया, लेकिन इसको गर्म कर दिया तो हमें मिल गया TiCl3 +6H2O, तो ये हो गया कलर लेस। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है, लिगेंड, समझ में आ रहा है? इसका रीज़न क्या है? लिगेंड है कि जिसकी वजह से ये आपका कलर दिख रहा है। अब दोस्तों हम आगे जा रहे हैं, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई CuSO4 अगर ड्राई होता है तो कलरलेस था, लेकिन वो अगर पानी के साथ अटैच होता है 5H2O बन गया तो तब ये कैसा है? ब्लू कलर है। सर ये कलर ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये कलर होने का उसका प्रॉपर रीज़न एक ही है। कौन सा? कि भाई लिगेंड जब इसके साथ अटैच होता है तो उसके अंदर DD ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन होता है दोस्तों? DD ट्रांजिशन। तो ये DD ट्रांजिशन क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? D में से इलेक्ट्रॉन D में जाना। तो ये D में से D में इलेक्ट्रॉन जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने कल ही देखा है कि ये D ऑर्बिटल थी, लेकिन ये डी जनरेट ऑर्बिटल थी, लेकिन लिगेंड आने की वजह से ये 3 और 2 में बट गई। ये 3 DXY, DYZ, DZX और ये 2 DX²-Y², इसको T2G बolte the, DX²-Y² and DZ² जिसको EG बोलते हैं। तो ये दोनों उधर हमें दिखने लगी। अब यहाँ पे Ti में +3 था तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो आपको यह सब बताया था कि ये T2G में है, EG में नहीं है उस टाइम, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ चला जाता है? T2G और EG। तो यहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जाता है। T2G1 EG0 में से T2G0 EG1 में जाता है। चलो समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ कि अब हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं और इसीलिए हम देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है। दोस्तों आपको पता है NiH2O6 plus 2 कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है। दोस्तों ये कौन से कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। अब इसके अंदर अगर हम EN ऐड करते हैं, EN का मतलब क्या होगा? इथेन 1,2-diamine। चलो तो हमें क्या मिलेगा? Ni H2O4 En plus 2 plus 2H2O। तो मीनिंग ये हो गया कि इसमें से 2 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए और उसकी जगह ये एक मॉलिक्यूल आया, क्योंकि ये बेचारा आपका डाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा है? ये डाइडेंटेट लिगेंड है और इसकी वजह से हमें इसका जो कलर था दोस्तों
पेल ब्लू मिला। ओके, अब इसमें और एक इथेन 1,2-डायएमाइन ऐड करते हैं, तो H2O ट्वाइस, EN ट्वाइस, तो इसकी वजह से हमें क्या मिला दोस्तों? हाँ, और दो पानी के मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। तो दोस्तों इसका कलर कौन सा मिला? तो इट इज ब्लू पर्पल। चलो और आगे जा रहे हैं कि उसके अंदर और एक EN इथेन 1,2-डायमाइन ऐड करते हैं एक्वायस, तो हमारा दो पानी के और दो मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 2 मोल वाटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि वी गॉट NiEN ट्वाइस। और इसकी वजह से दोस्तों हमें क्या मिल जाता है? यस, तो ये इसका कलर हो जाता है वायोलेट। तो दोस्तों एक देखा आपने, ग्रीन कलर कन्वर्ट इनटू पेल ब्लू, पेल ब्लू कन्वर्ट इनटू ब्लू पर्पल, और ब्लू पर्पल कन्वर्ट इनटू वायोलेट। तो कैसे? तो एवरीथिंग द कलर्स आर डिपेंड ऑन द लिगेंड्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ऑल्सो वी कैन से दे आर डिपेंडेड। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है वो। नाउ ये टेस्ट ट्यूब्स है, टेस्ट ट्यूब में भी आपको कलर दिए हुए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ये ग्रीन कलर किसका है। तो सर वो तो NiH2O6 था उसका है, और ये पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू कलर जो है वो एक इथेन 1,2-डायएमाइन जब आएगा तब वो उसका होगा, और ये पर्पल जो है ब्लू वाला उसका ये होगा, और लास्ट वाला वायोलेट कलर लेकिन इन्होंने पिंक कलर जैसा दिखाया है, दैट इज वायोलेट। ओके दोस्तों, तो वो ध्यान में रखना है। सम टाइम वी कैन से सम जेम स्टोन्स, ये MCQ पर ये पूरा टॉपिक जब पढ़ रहे हैं आप लोग तो पूरा MCQ है दोस्तों, समझ लेना, ये कहीं पे भी थियरी में नहीं आने वाला। तो ये भी एक टॉपिक है आपके सामने, द कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विथ इन द डी ऑर्बिटल ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आयन अकर फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। बहुत सारे एवरीडे लाइफ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे डी ऑर्बिटल जो है ट्रांजिशन मेटल उसके अंदर कलर हमें ज़्यादातर दिखते हैं, जैसे कि एक है रूबी, नाम तो सुना ही होगा। यस, इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो रूबी क्या है? Al2O3 एल्यूमिना कंटेनिंग अबाउट, ये क्या है इसके अंदर? 0.5-1% Cr+3 है ना आयन, जिसके अंदर डी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिव पोजिशन नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाई Al+3। तो भाई जनरली Al+3 की जो होती है जगह, उसकी जगह कभी कभी कौन आ जाता है? क्रोमियम आ जाता है, दे आर कॉल्ड रूबी। सिंपल, रूबी बनाना है घर पे भी बना सकते हो, लेकिन इतना परसेंटेज Cr+3 वो नेचुरली इसके अंदर अटैच होता है। किसके अंदर दोस्तों? तो आपने देखा Al2O3 के अंदर। वी मे व्यू दिस क्रोमियम 3 स्पीसीज आर ऑक्टाहेड्रल। ओके, Cr3 मतलब Cr+3 स्पीसीज आर ऑक्टाहेड्रल है ना, Cr+3 कॉम्प्लेक्सेस। दिस इनकरप्ट कॉर्पोरेट इन टू द एल्यूमिना लेटाइस DD ट्रांजिशन। वट इज द मीनिंग ऑफ DD? तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा यहाँ पे देखो, और सीधा कूद के कहाँ जाएगा, दिख रहा है सबको? यस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के T2G में से EG में जाता है, दैट इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन।
दिस सेंटर गिव्स द राइज टू द कलर्स, यही सेंटर आपको क्या देता है, कलर देता है। आगे इमराल्ड, यस इमराल्ड, इट इज अ वन काइंड ऑफ बेरिल, बेरिल बोलते हैं उसको दोस्तों, गुजराती में इसको पन्ना भी बोला जाता है। सीआर प्लस थ्री आयन ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल साइट इन द मिनरल बेराइल, बेराइल का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। बेल सी ओ, क्या याद रखोगे आप, बेल सी ओ 32618, बेल सी ओ 32618 मतलब क्या हुआ, बेल बी ई ए एल बेल सी ओ 32618 मिल जाता है। द एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येल्लो रेड एंड बीटल, ओके चलो आगे जा रहे हैं। ब्लू, रेड येल्लो ब्लू, ऐसा कलर उसका मिलता है। कॉजिंग इमराल्ड टू ट्रांसमिट लाइट इन द ग्रीन रेजिन, ये जो है ये आपका रूबी है और ये इमराल्ड है, एमराल्ड। तो ये सिर्फ नोट डाउन करना ध्यान में रखने के लिए, ये फॉर्मूला बेरिल का जो है इमराल्ड का वो आपको पूछा जा सकता है, या तो ये पूछ सकते हैं कि रूबी में एल्यूमिना के साथ कौन होता है कितने प्रपोर्शन में, तो सी आर प्लस थ्री होता है, 0.5 to 1%। चलो ओके दोस्तों, नाउ वी वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड फॉर लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। दोस्तों सीएफटी कल पढ़ा था हमने, तो ये पहली बात है, क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स कलर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू द लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ तक का जो पॉइंट आपको मिल रहा है, क्या आपको सीएफटी से व्हाट यू गेन, वी गेन स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, ये सारी चीज़ हमें सक्सेसफुली कौन देता है, सीएफटी। तो क्या नहीं देता लिमिटेशन में, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। हाउएवर फ्रॉम द एजम्पशन, फर्स्ट नंबर वन एजम्पशन ऑफ दैट लिगेंड आर पॉइंट चार्ज, लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है ऐसा उन्होंने एक एज्यूम किया है सीएफटी के शुरुआत में, ये उसकी लिमिटेशन है। इट फॉलो द एनायोनिक लिगेंड शुड एक्सटेंड एक्सल्ट टू ग्रेटर स्प्लिटिंग इफेक्ट, एनायोनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट अ लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दोस्तों ये जो है नंबर टू, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शायद आपने देखी होगी, ये रही बता देता हूँ, ये वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उसमें देखो पूंछ पे ज़्यादातर कौन है, नेगेटिव लिगेंड ही है, तो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ यस दिस सीएफटी। चलो आगे जा रहे हैं, लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर थ्री फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ
बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है, मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है और इसीलिए ये भी एक उसकी लिमिटेशन थी। नंबर 4, दीज आर सम द वीकनेस ऑफ सी एफ टी। ओके ख़त्म, ये 4 नहीं आएगा, 3 हो गई। विच आर एक्सप्लेन बाय द एल एफ टी लिगेंड फील्ड थियरी एंड एम ओ टी मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रीवियस स्टडी, प्रेजेंट स्टडी। क्योंकि इसको अगर आपको समझना है एल एफ टी एम ओ टी इसके लिए, तो वो बहुत ही इंटरनल चीज़ हो जाएगी जो हमारे लेवल से बाहर है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको पीडब्ल्यू में प्रैक्टिस करनी है। तो सर ये कैसे कर सकते हैं हम? तो इट्स अ सो इजी मेथड दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ NaCl4 -2 है, उस वो पैरामैग्नेटिक है या तो ये डायमैग्नेटिक है, बताओ क्या रीज़न है? तो आप लोग तो पागल हो, पहले तो उसका नेम लिखोगे, फिर Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 का कॉन्फ़िगरेशन, फिर बताओगे कि Cl वो वीक लिगेंड है तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसीलिए जो ऑर्बिटल बच गई है उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉन अनपेड है इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, या तो NiCO4 जो है उसमें CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसीलिए इसका जो है वो पेयर बन जाएगा तो ये डायमैग्नेटिक बनेगा। सिंपल है, इसके लिए आपको ये वाला टॉपिक को कवर करना रहेगा दोस्तों। मैं बता देता हूँ फास्ट, ये वाले जो टॉपिक हमने पढ़े थे ना, ये COF, ये सारे, यस, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे फ्रॉम हियर वैलेंस बॉन्ड थियरी, ओके अगर आप देखोगे तो ये सारी थियरी जो है ये जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, वो सारी थियरीज इसी के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें लिया है CONH3, इसमें लिया है COF6, इसमें लिया है NiCl4, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स को हमने समझ लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो समझना है। मेंशन कर लिया आपने दोस्तों? मेंशन कर लिया, यस, करना पड़ेगा। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ओके तो दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक वर्ड है, देखो थियरी जब आप खुद पढ़ते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, होमोलेप्टिक कार्बोनिल। ये कार्बोनिल क्या होता है? मेटल के साथ जब लिगेंड कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोक्साइड अटैच होगा तो उसको कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दूसरी चीज़, होमोलेप्टिक का क्या मतलब होगा कि ये सेम एक ही CO का ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें नो H2O, नो NH3, नो अदर लिगेंड्स आर अटैच्ड, सो वी कैन से इट इज अ होमोलेप्टिक। कॉम्प्लेक्स ओके ओनली आर फाउंड बाय द मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, दिस कार्बोनिल हैव अ सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको हम यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। इसका एक एग्जाम्पल है, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, है ना? यस दोस्तों, तो ये अगर आपके सामने आ गया है कि NiCO4
टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सी ओ सी ओ सी ओ, इट इज अ टेट्रा हेड्रल, नंबर वन। नंबर टू, पेंटा कार्बोनिल आयन, आयन मतलब Fe, कार्बोनिल मतलब CO, पेंटा मतलब पांच। यस, Fe CO 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 CO। तो इससे हमें क्या पता चला दोस्तों? इसका नाम क्या होगा, ये स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल, ये दिख रहा है ट्राइंगल, बाई पिरामिडल। यस। नंबर थ्री, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट सिक्स है ना, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट जीरो, आयरन जीरो, निकल जीरो। ये जीरो क्या लिखा? दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट को मैंने सेंटर में लिख लिया, बाकी ये छह कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ऑक्टाहेड्रल के सिक्स कॉर्नर पे अटैच कर दिया। सो इट इज कॉल्ड ऑक्टा हेड्रल शेप। ये कौन सा शेप है? ऑक्टाहेड्रल शेप है। रेडी हो दोस्तों? फिर भी बढ़िया सा एक नया आया, डेका Mn2CO10, डेका कार्बोनिल मैंगनीज जीरो। तो दोस्तों ये Mn2 है, तो हम बताएंगे Mn Mn, एक दो तीन चार आ गया ना। यस, ये पांच और ये पांच, CO 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 CO। तो क्या मिला दोस्तों आपको? यस, ये स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें पता है। अब ऐसा है, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ओके जीरो। तो ये कैसा है? सीओ एक दो तीन, सीओ एक दो तीन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, CO2 CO8। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? यस, आ जाना चाहिए। रेडी डियर स्टूडेंट, रेडी हो? ध्यान में भी रखना होगा। अब यहाँ पे उसने एक वो फॉर्मूला भी दिया हुआ है। देखो इधर क्या दिया है, ये देखो कि भाई सिनर्जिक बॉन्डिंग, जब आपका मेटल
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड है ही, तो वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे के उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन मेटल की डी ऑर्बिटल जो एम्प्टी है उसमें ये कार्बन मोनोल कार्बन नील का कार्बन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं ना पेयर्ड, डी में जो पेयर्ड होते हैं उसका शेयरिंग होने से ये दो पाई और बना देता है। तो इसीलिए ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू है, ध्यान में रखना कि भाई अगर यहाँ पे आपने मेटल लिया है तो वो कार्बोनिल के साथ तीन टाइप के बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और दो पाई। सर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा बोल सकते हो? यस वी कैन, बिकॉज सिग्मा मीन्स सिग्मा। रेडी? वेरी गुड। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इतने बॉन्ड बन सकते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन द कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझनी है, बहुत बहुत ध्यान में रखना है। कार्बोनिल कंपाउंड में तो ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए वो सब यही है जो हमने यहाँ पे दिए ना वो सारे, बाकी ये पाई बॉन्ड की जो बात है वो गलती से भी ध्यान में रखना कि वो लिगेंड और मेटल के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो तीन बॉन्ड बनते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल मेटल के साथ तीन बॉन्ड बनाता है। अब इसमें आपको पूछा है, चलो इसमें पूछा है कि कितने मेटल और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा हैं, 4 सिग्मा है और 8 पाई है, नहीं समझे? यस, दूसरी चीज़ उसके खुद के पास भी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी एक के पास एक सिग्मा और 2 पाई है, समझ में आया? लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, अगर वो बोल रहा है कि मेटल एंड कार्बोनिल के कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है तो आपके सिर्फ ये बीच वाले ही काउंट करने हैं। अगर उसने कितने सिग्मा और कितने पाई ऐसा पूछ लिया तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई, तो ये टोटल मिला के एक बॉन्ड के अंदर इतने सिग्मा, 2 सिग्मा और 4 पाई मिलते हैं। ओके, उसका रेशियो पूछा है तो भी सिग्मा से पाई डबल होते हैं, 1:2 हो जाएंगे। रेडी दोस्तों, अब आ रहा है लास्ट टॉपिक अपना ये चैप्टर का, 9.7 इम्पोर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट एंड एप्लीकेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वो क्या है, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस, यस इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेडी? तो वाइल्डली प्रेजेंट इन द मिनरल प्लांट एंड एनिमल, बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है एंड प्ले मैनी इम्पोर्टेंट फंक्शन एरिया, इसमें से एमसीक्यू ही आता है। हाँ आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे है कि जिसमें थियरी पोर्शन भी पूछते हैं, लेकिन हमारे लिस्ट में से थियरी निकाल दी है इसीलिए इसको आप लोग एमसीक्यू पर्पस पे ही पक्का रखो और सिर्फ हम मेन पॉइंट पे ही फोकस करेंगे दोस्तों, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन द मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का क्या मीनिंग होता है? द फेमिलर कलर
रिएक्शन गिवन बाय मेटल आयन विद द फंक्शन नंबर ऑफ लिगेंड्स एच स्पेशली चिलेटिंग लिगेंड्स। तो ये पहला वर्ड है इन मैनी क्वालिटिटिव एंड क्वान्टिटिटिव एनालिसिस, और फिर उसी में ही सच रिएजेंट आर इंक्लूडेड EDTA DMG का नाम डाईमिथाइल ग्लायोक्साइम एंड अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थॉल एंड कुप्रॉन। दोस्तों ये बहुत ही ऑड उसके फंक्शन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आप लोग सिर्फ इसको ध्यान में रखो दोस्तों। क्लियर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंगल सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2EDTA। तो भाई दूसरा है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो दोस्तों पहला था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेकंड है हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स Na2EDTA, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिससे मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आयन जो हार्डनेस दिखाते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्टिव एस्टिमेशन वो सब लिखा है, लेकिन आप लोग इतना सा ध्यान में रखो। द सम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक दोस ऑफ सिल्वर एंड यस। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी शायद, लीचिंग नाम सुना होगा। तो यस, ये जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल वो लीचिंग वाले प्रोसेस है जिसमें शायद आपको याद हो, तो मैं बता देता हूँ कि हम ऐसा एक रिएक्शन देखा था M+CN- +H2O+O2। तो MCN2- +OH- कि जिसकी वजह से आपका ये सिल्वर या गोल्ड ये दोनों को आप सेपरेट कर सकते थे। इसके दूसरे स्टेप में आप इसको टाइट्रेट करवाते थे, ट्रीट करवाते थे, -1 है जिंक से, सो ZnCN4-2+M ऐसा मिलता है। ये क्लियर है दोस्तों। गोल्ड मेक यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइन विथ साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस बोल दिया ना पूरा रिएक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट कि भाई सिमिलर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। यस, तो ये भी सेम प्रोसेस भी हो जाएगी। जैसे कि आपका आपने शायद देखा होगा ये रिएक्शन मोंड कार्बोनिल प्रोसेस देखा था। यस, तो आपने देखा था ऐसा कि निकल इम्प्योर है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाया गया NiCO4, और वो प्योरीफाइड होके प्योर बन के डिकम्पोज होके वापस Ni, ये इम्प्योर था और ये प्योर बना। तो यही मोंड प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से। ऑलरेडी सारी जगहों पे हमने ये सारी चीज़ देख ली है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। बायोलॉजिकल सिस्टम, हाँ ये क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, और दूसरा हमारा बॉडी में हीमोग्लोबिन। ये क्लोरोफिल की वजह से ही आपके प्लांट का जो कलर है, लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन रहता है। हीमोग्लोबिन वो रेड पिगमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और वो आयन से बनता है। वो किसका बनता है? आयन से। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12
जिसका नाम है साइनोकोबालेमाइन। ये एक ही है, हाँ दोस्तों, अलग नहीं है। तो ये सारे जो है वो भी बायोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर इसको ज़्यादातर यूज़ करना होता है और इसके अकॉर्डिंग हमें वो मिलता है। विद द कोऑर्डिनेट मेटल आयन आर द एंजाइम लाइक, कुछ एंजाइम भी है कि जो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड सेकेंड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये MCQ बढ़िया बन जाता है, ये सब कुछ MCQ है। रेडी, चलो नेक्स्ट। कैटालिस्ट, तो कौन सा कैटालिस्ट? तो ये कैटालिस्ट जिसका नाम आपको दिया हुआ है, देखो क्या बोलते हैं इसको, विल्किंसन कैटालिस्ट, PH3P3RHCl। अब RH को PH PH एंड PH PPH PH एंड PH PPH PH एंड PH, ऐसे जो थ्राइस है ना ये, तो P के साथ 3 PH3 फिनाइल जुड़े हैं, फिनाइल बेंजीन और RHCl, ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कैटलिस्ट है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन में यूज होता है दोस्तों, ये MCQ है। आगे यही इलेक्ट्रोप्लेटेड सिल्वर एंड गोल्ड, तो हाँ, ये अभी हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, AgCN2 और AuCN2, ये दोनों में से Ag और सिल्वर का जो प्लेटिंग करना होता है, तो हम अच्छे से गोल्ड और सिल्वर का प्लेट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसा भी MCQ आया है। तो Ag H2O3 2 -3, तो ये MCQ ध्यान में रखना है। देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट, ओ ये बहुत इम्पोर्टेंट था, पहले तो ये थियरी में भी आ जाता था, लेकिन अब ये थियरी में नहीं आने वाला। बच्चों ये कहाँ पे हैं, कैसे होता है, सपोज हम कहीं से गिर जाते हैं, हमें कुछ लग जाता है, या आयन की कुछ चीज़ लग जाती है मेटल की, तो हम क्या करते हैं, हमें धनुर का इंजेक्शन दिया जाता है। तो धनुर क्या है, तो दैट इज अ चिलेटिंग लिगेंड। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी मेटल अगर बच जाता है, तो उससे हमारा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मेटल को बॉडी में से निकालने के लिए हमें डॉक्टर इंजेक्शन देता है। जैसे कि पहला वाला है एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयन, CuNFe अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तो चिलेटिंग लिगेंड डी पेनिसिलेमाइन यूज होता है। ओके, एंड डेसेन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम इसको डिसफेरिओक्सिम, तो ये दोनों यूज करते हैं हम, बी। हाँ ये बी। चलो फिर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, EDTA इज यूज फॉर लीड, PB के लिए EDTA यूज होता है लीड के लिए। फिर भी हमें कुछ दिया है, देखो अगर प्लेटिनम है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए भी हम सिस प्लेटिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिस प्लेटिन, तो ये ट्यूमर को क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। तो बॉडी के अंदर हमारे इतने सारे जगह पे ये यूज होता है, कौन यूज होता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं दोस्तों। हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कल हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे, उसके बाद नई बुक में से नया चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कि किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि उसको